तो स्वागत है 20 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के एपिसोड नंबर 14 में। मजे की बात यह है, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बाकी लोग जितने भी कमेंट फीडबैक दे रहे हैं। तो मेक श्योर इसी चैलेंज को इसी तरीके से फॉलोअप करोगे तो आप भी एक अच्छे बॉडी फिजिक की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बट साथ में जरूरी क्या है, साथ में जरूरी है वो है डाइट चार्ट। तो चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट लेना तो यूजर आईडी यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, इंस्टाग्राम का मैसेज करो, फॉलो करो, विद इन 24 आवर डाइट चार्ट आपके फोन में हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। तो मेन वर्कआउट करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग वार्म अप लगाते हैं। वार्म अप में समथिंग बेसिक वर्कआउट है, वो है आर्म रोटेशन। आप चाहो तो उसको 30 सेकंड डिवाइड कर लो आगे की तरफ और पीछे की तरफ। ये है कुछ मोबिलिटी ताकि आप शोल्डर ब्लेड जो आपका है वर्कआउट करते समय कहीं भी इंजर्ड ना हो, मसल टियर ना हो, प्लस जो वर्कआउट के बाद बॉडी सोर होती है वो सीन आपके साथ क्रिएट नहीं होने वाला है। दूसरी है ये एज अ स्काई राइज साइड वाइज और ऊपर किस तरफ आपको ले जाएं ताकि आपको डेल्टॉय मसल है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो सके फॉर 30 सेकेंड। ये थे कुछ बेसिक इजी वर्कआउट एज अ वार्म अप। दूसरी है वो है साइड लेग स्ट्रेच। आप एक तरफ 6 टाइम्स डिवाइड कर सकते हो या आपकी हैमस्ट्रिंग, आपके ग्लूट्स, आपके काफ मसल को हल्का सा वार्म अप करते हैं सो दैट जो लेग्स की वर्कआउट होगी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये ध्यान रखना इस वर्कआउट को इस तरीके से आपको परफॉर्म करना। आइए स्टार्ट करते हैं मेन वर्कआउट। अब जो मेन वर्कआउट है वो है होप जंप। आपको मैट के एक सिरे से शुरू करना है और मैट के दूसरे साइड जाके जंप करना है। सिंपल हल्का सा स्क्वाट की पोजीशन बनी रहे सो दैट आपके ग्लूट्स मसल पे ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन पड़ी है। तो ये आप लगाने वाले हो 30 सेकेंड के एटलीस्ट 3 सेट होप जंप हाफ स्क्वाट करने की कोशिश करनी है। हल्की सी बॉडी बेंड रहेगी, कमर अगर आप में पेन रहता है तो हल्का सा बॉडी को ध्यान रखते हुए आपको परफॉर्म करना है। ये है हमारी फर्स्ट वर्कआउट जो कि आप लगाने वाले हो इसके 30 सेकेंड के एटलीस्ट 3 सेट्स। अब जो भाई नेक्स्ट वर्कआउट है वो है टैप जंप। अब ये बेसिक कैसे करना है, देखो ध्यान से पैरों को वाइड ले जाओगे और एक हाथ को कमर पर रखते हुए आपको फ्लोर को टैप करने की, यानी कि जो मैट है उसको टैप करने की कोशिश करनी है। एक रिदम में करोगे तभी आपके वर्कआउट ईजी हो जाएगा, अगर उसको रिदम में नहीं करोगे दैट विल मेक डिफिकल्ट फॉर यू। तो ईजिली मैट को टैप करो और ऊपर आ जाओ, कम से कम नी बेंड करने की कोशिश करनी है जब आप नीचे जा रहे हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये लगाने वाले हो आप एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के 3 सेट। अब जो नेक्स्ट वर्कआउट है भाई साहब ये है क्रिस क्रॉस। ये जब मैं कर रहा था ना तो मुझे भी फील हुआ हाँ अगर आप इसके मोमेंटम और उसका रिदम को नहीं समझोगे तो ये वर्कआउट आपसे बिल्कुल भी और कतई होने वाली नहीं। तो पैरों को अपोजिट लेके मत जाना, जो मेरे से गलती हो रही थी स्टार्टिंग में मैंने उसको करेक्ट किया, फिर जाके मैंने इस मोमेंटम में आपको वर्कआउट करके दिखाया है। तो जो गलती होती है वो भी आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप गलत ना करो अगर मैं कहीं से गलत कर रहा था, बट ये गलत फॉर्म नहीं है। ये है क्रिस क्रॉस जिसके आप लगाने वाले हो 30 सेकंड के 3 सेट्स। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो दैट इज अ बेबी रोल। अब ये जो बचपन में आपने देखा था ना, बचपन में देखा था, आगे की लाइन में नहीं बोलने वाला हूँ। सो ये वर्कआउट आपके अपर एब्स के लिए, बेसिकली पैरों को फोल्ड करते हुए ऊपर आना है फिर पैरों को पीछे करते हुए आपको पीछे जाना है। सिंपल बेसिक इफेक्टिव वर्कआउट, ये आपके अपर एब्स, मिडिल एब्स और लोअर एब्स को भी ट्रीट करता है और समवेयर डाउन द लाइन आपकी जो बैक पेन है उसमें भी रिलीफ करने के लिए ये वर्कआउट वन ऑफ द बेस्ट है। तो इसके मल्टीपल ऑफ बेनिफिट्स हैं, ट्राई करना विद दिस फॉर्म टेक्निक एंड पोस्चर, बशर्ते 3 सेट लगाने हैं आपको 30 सेकेंड्स के। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट दैट इज योर नी जैक्स। अब पैरों को पीछे जाने लंजेस के फॉर्म में, लंजेस में फर्क है, इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे नी की जो बेंड करने वाली सीन है वो कम है एज कम्पेयर टू लंजेस, बस इतना ही फर्क है। और पैरों को आपको हाथों से टैप करते हुए ले जाना है ताकि लेग्स का हैमस्ट्रिंग और आपके अपर एब्स वहाँ भी टेंशन बढ़ते रहना जरूरी है। तो ये लगाने वाले हो 50 सेकेंड्स यानी कि 15 सेकेंड फ्रॉम ईच साइड। ये है हमारी नी जैक्स जिसके लगाओगे आप एटलीस्ट 3 सेट्स। आइए अब बढ़ते हैं टोस का ही। पैरों को आगे की तरफ डांस करना है, सिंपल जैसे शादी बारात में करते हो ना सेम वही रूल फॉलो करना है, बशर्ते हाथ को पीछे ले जाना है, पैरों को आगे ले जाना है और एक रिदम एक मोमेंटम के साथ आकी जब वर्कआउट अप करो कोई देखे तो लगे यस यू आर डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग और उसको भी करने का मन करता है। ऐसा फॉर्म ऐसा रिदम होना चाहिए आपके वर्कआउट के, फॉर्म पोस्चर टेक्निक देख के सामने वाला बंदा लगे हाँ ये बंदा प्रोफेशनल है, ये कुछ कर रहा है जो हमें करने लायक है। तो ऐसा आपको परफॉर्म करना है। ये थे हमारी टोस का आप लगाने वाले हो 3 सेट्स। अब जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है पार्सल स्काई। ग्राउंड पर टैप करना है और हील को अप कर लेना है। देख रहे हो ये मेन क्या है, इसमें आपका जो काफ मसल है वहाँ की
इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, प्लस आपको बॉडी बैलेंसिंग करना भी सीखने को मिलेगा, प्लस आपके ग्लूट्स भी एक्टिवेट होते हैं, जिसके मल्टीपल ऑफ बेनिफिट्स हैं एक ही वर्कआउट में। इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड मूवमेंट, यहाँ पे एक से ज़्यादा मसल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग, प्लस प्राइमरी मसल हमारा वो है हमारा काफ मसल। अब जो बड़ी नेक्स्ट वर्कआउट है वो है स्क्वाट किक। ये मेरी पर्सनल फेवरेट वर्कआउट है, आपके ग्लूट्स, आपके काफ, आपके हैमस्ट्रिंग, कई मसल ट्रेन हो रहे हैं, ये भी कंपाउंड वर्कआउट है। प्लस अगर स्क्वाट नहीं किया लेग के वर्कआउट में तो कुछ भी करना बेकार है, तो स्क्वाट जरूर ऐड करो। मैंने यहाँ पर हल्का सा वेरिएशन रखा है सो दैट क्वाड्स के साथ साथ आपके बूटी पे भी टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा बने। इसके आप लगाने वालों कितने 30 सेकंड्स के 3 सेट, और कोशिश करो यहाँ पे कम से कम 15 रेप्स तो निकल ही जाए। तो ये थी टोटल वर्कआउट्स, कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छे और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। इसके साथ चाहते हो मैं आपको पर्सनली वन टू वन ट्रेनिंग भी दूं तो उसका डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग सी वर्कआउट वीडियो में।